हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष निगम। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस, शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को। कल जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ में। सो गाइस, कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर डे लो चला जाता है तो शार्प फॉल हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग को आज डे लो जो है वो नहीं गया था। डे हाई के ऊपर आज हम लोग को कैंडल का जो ओपनिंग है वो मिला था, एंड कुछ यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग को एक एंट्री मिली थी। सिंगल ट्रेंड हम लोग का सी साइड का एक ही प्रॉफिट में बना, एंड देन कंप्लीटली जिगजैग मूव्स और कंप्लीटली ट्रैपिंग मूव्स जो है वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले थे। अगर से मेरे प्रीमियम ग्रुप में मैंने जो भी कॉल दिए थे उसके साथ में अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों की एक ऑर्डर जो है वो अल्गो में रिजेक्ट हो गई थी। सो मैं यहाँ पे जो है वो सीई साइड की कॉल नहीं दे पाया था, वो हम लोगों से मिस हो गई थी। एंड आज जो भी हम लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस में ही हुए हैं, स्टॉक ऑप्शंस में कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं। बहुत अच्छे से हम लोगों को एक्यूरेसी मिली क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो इंडेक्स ऑप्शन है वो कंप्लीटली इंडेक्स साइडवेज होने के कारण हम लोगों को दोनों साइड में ट्रैपिंग जो है वो देखने को मिला था। अगर से बात करेंगे मेरे प्रीमियम ग्रुप के परफॉर्मेंस के बारे में, सो देख लीजिए यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस में बहुत अच्छा खासा रैली हम लोग को देखने को मिला था। 2200 रुपए का महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में एक एसएल हुआ था हम लोगों का, लेकिन बाकी रेस्ट अगर आप लोग देखोगे जो तीनों चारों स्टॉक्स है इसमें जो प्रॉफिट्स हैं हम लोगों को वो बहुत अच्छे खासे रैली जो है वो देखने को मिली थी। एंड आज के पूरे दिन में मैंने 3 स्टॉप लॉस जो इंडेक्स में ट्रेड्स दिए थे तीनों के तीनों में हम लोगों को स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जबकि मार्केट जो है वो ऊपर ही जा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीज में भी स्टॉप लॉस जो है वो हम लोगों को देखने को मिला है। कंप्लीटली साइडवेज मार्केट था, कंप्लीटली ट्रैपिंग मार्केट था। सो हम लोगों ने जो भी रिस्क लिया था छोटा रिस्क लिया था कंपेयर टू जो भी प्रॉफिट बुक किए थे मॉर्निंग में, ये ट्रेड्स को इनिशिएट करने से पहले वो काफी अच्छे थे। सो जो भी प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया उसमें से थोड़े से प्रॉफिट पे हम लोगों ने यहाँ पे जो भी रिस्क लिए थे वो लिए थे। अगर से बात करेंगे जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स आप लोगों के साथ में डेली बेसिस पे अपने हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ उसके एनालिसिस के साथ में, तो उस पर आज 17,800 रुपये का हम लोग को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 304 दिनों तक हम लोगों की 99% की एक्यूरेसी बरकरार है। स्क्रिप्ट अगर आप लोग को देखने हैं तो वो यहाँ पे है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चार्ट पे चल के चेक कर लेते हैं कि इन लोगों को बाई जो है वो कहाँ पे किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है गाइस, कल मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है बजाज ऑटो ने, एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। जाहिर सी बात है हम लोगों को एक गैप अप ओपनिंग जो है वो यहाँ पे मार्केट में एक्सपेक्टेड थी। इनसाइड कैंडल का जो पैटर्न मैंने आप लोग को कल बैंक निफ्टी निफ्टी पे बताया था वही पैटर्न आज हम लोग को मिला था। यहाँ से इसको शार्प अपसाइड के लिए बाई किया जा सकता था बिल्कुल छोटे ही स्टॉप लॉस की तरह, और यहाँ से अब ये ब्रेकआउट हो गया था। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसमें ऑलरेडी एक पॉजिटिविटी जो है वो ऑलरेडी आ चुकी थी। सिमिलर हम लोग को डोजी जो है वो मिली थी HDFC में, यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में सिंगल कैंडल पे इसे बाई किया जा सकता था। हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट HDFC के सी में भी देखने को मिल रहा है, और कल मैंने आप लोगों को कहा था कि IT सेक्टर पे आप लोगों को ध्यान रखना है। लॉजिक भी समझाया था कि बहुत सारे स्टॉक्स पे मैंने सपोर्ट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, सो हम लोग को एक अच्छा ट्रेंड जो है वो देखने को मिल जाएगा। आज 3.56% पर TCS ने क्लोजिंग दिया है। बाकी IT के स्टॉक्स के बारे में भी कल हम लोगों ने बात किया था जिसमें हम लोगों को एक अच्छा सा प्रॉफिट जो है देखने को मिला है। कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन दोनों के बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड मिला था। बहुत ही शार्प अपसाइड की रैली जो है वो TCS में देखने को मिली। सी में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हम लोग को देखने को मिला है। यानी कि गाइस 304 एपिसोड्स तक जो भी 99% की एक्यूरेसी मैं क्लेम करता हूँ अपने हर यूट्यूब के वीडियो में, अपने हर यूट्यूब वीडियो के थंबनेल पे, वो आज भी बरकरार है। और मैं कोशिश करूंगा 365 एपिसोड्स जो है वो ऐसे ही बनाने के। सो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम के लिंक जो है वो देकर के रखे हुए हैं। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया अभी तक आप लोगों ने तो जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज गाइज, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी तो एक बार YouTube को स्क्रॉल करके देख लीजिए और Telegram को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करते रहता हूँ। एक्यूरेसी आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे भी जाकर के चेक करते हैं। ये सर्विस आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली चीज़ है गाइज, आप लोग को सेम अकाउंट पे ट्रेड करना होगा। बाकी लोगों की तरह एक महीना
प्रीमियम सर्विस फ्री, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ऐसा कोई भी कैपिंग लगा करके हम लोगों ने नहीं लगा रखा हुआ है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम के लिए, कंडीशन सिर्फ एक है, ऑब्वियसली आप लोग को सेम अकाउंट पे ही ट्रेड करना होगा। बहुत सारे गाइस लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि 2,000-5,000 का प्रीमियम जो है या फिर फंड्स के साथ में वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे साथ में मैं ट्रेड करता हूँ एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे और इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे। सो बिफोर अकाउंट ओपन कर ले आप मेरे लिंक थ्रू, उससे पहले आप लोग को एक चीज़ समझनी होगी कि मेरी कोई भी प्रीमियम सर्विसेज जो है, चाहे वो पेड हो चाहे वो जो आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, किसी को भी ज्वाइन करने से पहले मिनिमम 15,000 रुपीज़ का कैपिंग है। 15,000 रुपये के ऊपर ही आप लोगों का कैपिटल होना चाहिए। 15,000 के नीचे अगर है तो मैं अपने प्रीमियम सर्विसेज जो है वो नहीं ऑफर करता हूँ, क्योंकि मैं एट द मनी और इन द मनी पे मोस्टली जो है वो ट्रेड कराता हूँ। सो बस एक छोटा सा लॉजिक है, जो भी एग्री करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे प्रीमियम सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है, लिंक जो है मास्टर ट्रस्ट कैपिटल का और एलाइज ब्लू का, दोनों का अकाउंट ओपनिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे करके रखा हुआ है। फटाफट से अकाउंट जो है वो ओपन कर लीजिए और टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे टीम को मैसेज कीजिए, वो लोग आप लोगों को जो है यहाँ पे ग्रुप में जो है हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो दोस्तों कल के दिन की जो पहली ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसीसी की। एंड ऑफ द डे एक अच्छा सा वॉल्यूम जो है वो उसमें एंटर हो चुका है और स्टॉक एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आइदर किसी भी साइड में जो हम लोग को कल ब्रेकआउट मिलेगा एक अच्छा सा ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। 2,365 के ऊपर स्टॉक बुलिश है, 373, 387 और 403 हमारे अपसाइड के लेवल्स है, तो 350 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अपसाइड नहीं चला जाता है तो 2,350 के नीचे स्टॉक वीक है, 2,342, 330 और 318 हमारे यहाँ पे डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। जो दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर की, जिसमें एक अच्छा सा एंड ऑफ द डे वॉल्यूम जो है वो आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉक ने दोपहर के टाइम में हम लोगों को यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ था जो कि इससे प्रीवियसली भी किया हुआ था और यहाँ से एक बाउंस बैक हम लोग को देखने को मिला है। अगर कल 2,676 के ऊपर ट्रेड करता है तो 685, 2,700, 2,723 की अपसाइड में लेवल्स फॉलो करेगा तो 2,660 यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अपसाइड में नहीं चला जाता है तो 2,660 के नीचे स्टॉक वीक है, 2,651, 638 और 620 डाउनसाइड के लेवल्स है तो 676 हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। कल के दिन की जो तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगी एशियन पेंट्स की। एंड ऑफ द डे देख लीजिए बहुत अच्छा सा वॉल्यूम आ चुका है, स्टॉक ने कोई भी मोमेंटम नहीं दिया है, यहाँ से प्राइस एक्शन के बेसिस पे एग्जैक्टली मेरे मैजिकल लेवल के आसपास ही हम लोग को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से स्टॉक गिर जाता है तो 3,330 के नीचे वीक है, 3,321, 3,307, 3,288 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स है तो 3,344 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस नीचे के साइड में नहीं आता है तो 3,344 यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये बुलिश रहेगा, 3,354, 370 और 391 हमारे अपसाइड के लेवल्स है तो 330 हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोग को समझ के लेनी है, जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे, क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए, जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है, इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका
मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा, मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइज, इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट टाइम्स में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज हम लोग बात करेंगे जो भी कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स है उसके बारे में, इससे पहले एक बार जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के दिन का मेरा प्रेडिक्शन है उसे एक बार हम लोगों को जो है वो समझ के लेना होगा। सबसे पहली चीज गाइस, तो यहाँ पे कम्प्लीटली बुलिश क्लोजिंग जो है वो आज हम लोग को निफ्टी ने दिया है। डे टाइम फ्रेम पे भले ही आप लोग को बुलिश कैंडल दिख रही हो लेकिन आज कम्प्लीटली मार्केट जो है वो साइडवेज था, इसने बस ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग जो है वो सेम जगह पर दी है, इसलिए डे टाइम फ्रेम हम लोग को एक कम्प्लीटली बुलिश कैंडल क्लोजिंग जो है वो देखने को मिल रही है। अगर से आप लोग देखेंगे गाइस तो यहाँ पे हम लोग को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो आता हुआ दिख रहा है, सो अगर कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होती है तो ही एक अप ट्रेंड जो है हम लोगों को इसमें देखने मिल सकता है, वरना मैंने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ऑलरेडी आप लोगों को दिखा करके रखा हुआ है, शोल्डर का फॉर्मेशन होना इसमें जो है वो पॉसिबल मुझे लग रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। अगर से आप लोग बात करेंगे मेरे इंट्राडे के लेवल्स के बारे में जो कि मेरे मैजिकल लेवल्स है, जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक मेरे मैजिकल लेवल्स के बीच में ट्रेड करता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि सेम लेवल्स इसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है वो काम करने वाले। अगर से इसके इंट्राडे के लेवल्स के बारे में हम लोग बात करने जाए तो 17,330 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश होने वाला है, 350, 404, 466, 521 और 619 हमारे अपसाइड के लेवल्स होने वाले। यूजुअली मैं 4 लेवल्स देता हूँ, आज 5वां लेवल भी दिया है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को गैप अप गैप डाउन की वजह से कुछ टाइम ऐसा होता है कि लेवल्स जो है हम लोगों के हाथ से छूट जाते हैं, सो एक लेवल मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके रखा हुआ है आज के वीडियो के लिए। 17,270 के नीचे निफ्टी का फ्यूचर बियरिश होने वाला है, 217, 168, 113, 17,036 और 16,890 हमारे यहाँ पे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। अगर से बात करेंगे बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स के बारे में गाइज, इससे पहले थोड़ा सा प्रेडिक्शन जो है वो हम लोगों को यहाँ पे चेक कर लेना होगा। सो गाइज अगर हम लोग देखेंगे कम्प्लीटली बुलिश क्लोजिंग जो है वो हम लोग को देखने को मिली है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देना कल के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो कल गैप अप ओपनिंग भी अगर इस लेवल पे अगर खुल जाता है और यहाँ से कोई भी रिजेक्शन की पहली 5 मिनट की कैंडल अगर हम लोग को रेड मिल जाती है तो यहाँ पे गैप फिलिंग के साथ में एक अच्छा सा डाउनफॉल भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन टॉप पे इसके लिए एंट्री जो है हम लोगों की आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि नीचे साइड में आने के बाद में जैसे कि आज इसने 2 ग्रीन कैंडल्स बनाने के बाद में कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट था, कल भी हम लोग के पास में सेम प्रोबेबिलिटी है, एक्सपायरी की वजह से ये टाइम डिके करने की कोशिश ज़्यादा करेगा। 39,350 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है, 487, 637, 781, 40,000 और 40,396 अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लिए। और अगर ये अपसाइड में नहीं चला जाता है, अगर नीचे आ जाता है तो 39,230 के नीचे बियरिश है, 39,098, 38,970, 38,833, 38,645 और 38,296 ये हमारे डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के लिए। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कल के दिन के मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स जिसकी एक्यूरेसी 99% की चल रही है एपिसोड नंबर 304 तक, हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसके लॉजिक्स, उसकी एंट्री पॉइंट्स, उसके स्टॉप लॉस और उसके टारगेट्स, साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स प्रिडिक्शन के साथ में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम के लिंक देकर के रखे हुए, लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।